अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज है हमारा एग्ज़ाम। और ये जो मैंने जोश निकाला है, और मुझे अभी मेरी जो है वो प्रिपरेशन सारी रिवाइज करने वाली रहती है, मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ ये वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि कैसे होता है एग्ज़ाम कॉम्प्रिहेंसिव का, और क्या क्या इसका मतलब कहाँ कहाँ से आता है, मैं वो सारा आपको बताऊँगी। तो आपने ज़रूर वीडियो को लाइक करना है, फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। पूरी क्लास से आफ्टर 4 मंथ के बाद हम लोग मिलने जा रहे हैं आपस में, और ये अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो घबराहट सी हो रही है। खैर, वो दुख सुख शेयर करते रहेंगे, अभी हम चलते हैं। फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी मैंने अपना सारा जो रजिस्टर्स वगैरह हैं वो भी उठा लिए हैं, बस रेंट लेना है और जाना है। सो लेट्स गो। इंटर इन द यूनिवर्सिटी है ना, 1:50 हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ। 3:30 पे पेपर स्टार्ट होने हैं, लेट्स गो। अब जाते हैं तेज 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 तेज, क्योंकि नमाज भी पढ़नी है। नहीं होता, ये हमारे क्लास के हैं लीजेंड बॉयज, जिन्हें सिर्फ शायरी आती है बस। आपको सिलेबस ही नहीं पता, पेपर क्या बताएंगे आप। ये देखिए यहाँ पेपर हो रहा है, और ये मुझे कह रही है जी नहीं गिरा। सर आ चुके हैं, ये बैठी है। मरल क्या कह रही थी, ये देखे हैं बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही। तो यहाँ पे हम लोग फ्री हो चुके हैं और बस खड़ी हैं। फ्री हो चुके हैं और अब हम अचानक से आए हैं, हमारा पेपर हुआ। विनिश कैसा हुआ? पास हो जाए। अच्छा तुम बताओ कैसा आता होता है जूनियर्स के लिए, बताओ जूनियर्स जो पूछना चाह रहे हैं। चलो तुम चूज़ करो, ये हम बताते हैं कहाँ से आता है पेपर, बताओ ना कहाँ से आता है। जूनियर्स के लिए है ना, हैं जाने वाले। चलो बताओ, मतलब हमारे कोर्स में से आया था, और मिड और फाइनल का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आया था। एमसीक्यू सारे कंसेप्ट थे इसका। अच्छा, और साथ ये भी बता दें, मिड और फाइनल में से पेपर नहीं आता होता है। ये नहीं कि पेपर क्लैप कर के पढ़ना शुरू कर दो, पागल हो जाएगी। हाँ, अभी हम लोग बस में आ गए हैं और बस में हमें जगह मिल गई, ये हमारी खुशकिस्मती थी। आज हमारा लास्ट पेपर डन है, अल्लाह करे पास हो जाए ताकि दोबारा पेपर ना देना पड़े। अभी मुझे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे हैं, अब छुट्टी चुकी, हमारा पेपर लेट एंड हुआ था, एंड टीम जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो रात हो चुकी है। तो फाइनली अब जाके हम लोग अपने सिटी में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि आज जो है वो बस मिल गई थी, और तो मैंने सोचा रास्ते से कुछ ले जाऊँ। मैंने वहाँ से अनार और मूँगफली ली। सो लेट्स गो, अब मैं जा रही हूँ। तो अभी यहाँ से मैं पैदल जा रही हूँ, सो लेट्स गो। तब तक आप ये नात सुने, नात नहीं है सॉरी। तो अभी मैं, मेरा रेंट बच गया था, और आते वक्त मैंने अनार लिया, और अनार जो हैं वो किस तरह के मिले, मुझे 100 के 2 मिले, और दोनों ही इस तरह से मतलब टेस्टलेस और ख़राब बेकार, कलर ही नहीं था इसका, इसमें पानी भी नहीं है, ऐसे गले सड़े देखो करें, ये हाल है। वापस कर देते हैं, ऐसे थोड़ी ना वापस होकर थे। पेपर जो था वो वैसे बहुत ज़्यादा टफ था ओवरऑल, जैसे कि कहा गया था कि मिड और फाइनल के एग्ज़ाम में से आएगा, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिसमें से आया भी नहीं था, जैसे कि नैनो मटेरियल में से नहीं आया था, और ऑर्गेनिक जियो केमिस्ट्री में से भी नहीं आया था। 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव था, और 40 मार्क्स के एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज तो बिल्कुल ही मतलब मुश्किल ही थे, आउट ऑफ ही आए हुए थे, आउट ऑफ जो ना आते हों वो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस में से ही थे, और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे, और आई थिंक 6 क्वेश्चन थे। टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन पेपर कैसा हुआ, जैसा होना चाहिए था अच्छा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। खैर,
तो आप लोग जो है वो आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप तैयारी करें और बस इसमें पास होना ज़रूरी है और इसमें इसके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे। सो और अभी सर में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन हो रही है, इसकी वजह से मैं फर्दर वीडियोज़ भी नहीं जाने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, काफ़ी सफ़र किया था। खैर यहाँ है वो, अगर आपको कोई हो तो आप सकते हैं और वहाँ पर मैं अपनी वीडियो करने लगी हूँ। कहती हूँ आपको ऐसी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और अच्छी लगी तो फिर लाइक करें एंड तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।